कहानी की शुरुआत में हमें लिनजियांग सिटी के मुर्दा घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं। तभी हम दो आदमी को देखते हैं जिनमें से एक नया मजिस्ट्रेट होता है और यहाँ पर पता लगाने के लिए आया होता है कि पहले वाले मजिस्ट्रेट का मौत कैसे हुआ। तभी मजिस्ट्रेट का आदमी बोलता है यही वो जगह है जहाँ पर पुराने वाले मजिस्ट्रेट का बॉडी रखा हुआ है। ये सुन मजिस्ट्रेट अंदर जाता है। जब दोनों अंदर जा रहे थे तभी उसके आदमी को डर लगने लगता है और वो अपने मास्टर से कहता है मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये सुन मजिस्ट्रेट कहता है डरो मत, मैं यही हूँ ना। तभी हम एक बड़े से पाइथन स्नेक को देखते हैं जो उन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है। जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो स्नेक उन दोनों के पीछे से जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मजिस्ट्रेट का आदमी डरने लगता है और वो कहता है लगता है हम लोगों के पीछे कोई है। जब दोनों डर कर पीछे देखते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं होता। ये देख मजिस्ट्रेट अपने आदमी से कहता है चलो जिस काम को करने के लिए आए थे उस काम को करते हैं। जब दोनों अंदर पहुंचते हैं तो मजिस्ट्रेट पुराने वाले मजिस्ट्रेट की बॉडी को देखकर उल्टियां करने लगते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्मेल कर रही होती है। जब मजिस्ट्रेट बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट चोंग की मौत पाइथन स्नेक के काटने की वजह से हुई है, जिनके बॉडी में पूरी तरह से जहर फैला हुआ है। ये सुन उनका आदमी कहता है आप सही कर रहे हैं, मैंने उस स्नेक को देखा है जो दिखने में बहुत ही बड़ा और डरावना है। ये सुन मजिस्ट्रेट कहता है मैं सोच रहा था कोई छोटा पाइथन मजिस्ट्रेट को काटा है, लेकिन तुम तो कह रहे हो कोई बड़ा पाइथन स्नेक काटा है। तभी दोनों दरवाजे के पास पाइथन स्नेक की पूंछ को देखकर डर जाते हैं और पाइथन स्नेक उन दोनों के पीछे आता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं और पाइथन स्नेक उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें मार देता है। मजिस्ट्रेट की आवाज सुनकर सारे सिपाही वहां पर आ जाते हैं। तभी पाइथन स्नेक सिपाहियों के सामने आ जाता है, जिसे देख सारे सिपाही डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन स्नेक किसी को भी नहीं छोड़ता और सभी को मार देता है। और ये बात सारे लोगों में फैल जाती है कि दोनों मजिस्ट्रेट का मौत पाइथन स्नेक के काटने की वजह से हुई है, जिससे सारे लिनजियांग के लोग डर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम इंपीरियल सिटी के मेले को देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक बदमाश गुंडा आता है जिसके पास ब्लैक पावर्स होती है, जिसका नाम हाउबिंग होता है, जो लड़कियों को पकड़कर लड़कियों को बेचने के लिए लेकर जा रहा होता है, जिसे देख सारे लोग मेले से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो इंपीरियल सिटी का रक्षक होता है, जिसका नाम सुकैन होता है। हाउबिंग सुकैन को देख वहीं रुक जाता है और हाउबिंग सुकैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते को रोकने की। ये सुन सुकैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंपीरियल सिटी के लड़कियों को कैद करने की, आज मैं तुझे सुधारूंगा क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किया है। ये सुन हाउबिंग सुकैन से कहता है मैं भी देखूं तुम मुझे कैसे सुधारोगे, और वो ये बोल सुकैन को ऊपर अटैक कर देता है। ये देख सुकैन एक छोटे से पत्थर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथों से रस्सियां छूट जाती हैं और सारी लड़कियां वहां से भागने लगती हैं। ये देख हाउबिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है जाओ और सभी लड़कियों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, और वो अपने रथ से सुकैन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख सुकैन उसके रथ को रोककर दूर फेंक देता है और हाउबिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। दूसरी तरफ हम हाउबिंग के आदमियों को देखते हैं जो उन लड़कियों को पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टाइसन होता है, जो सुकैन का दोस्त होता है, और वो हाउबिंग के आदमियों को मारकर लड़कियों को आजाद करता है। इसके बाद हम सुकैन को देखते हैं जो हाउबिंग से लड़ रहा होता है। तभी उसके पैरों के पास टाइसन आता है और उसी टाइम वहाँ पर हाउबिंग भी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकैन हाउबिंग से बहुत चलाकी से लड़ता है और टाइसन को दूर कर देता है। ये देख टाइसन सुकैन से कहता है तुम हाउबिंग के आदमियों से लड़ो मैं उससे लड़ता हूँ। उसकी बात सुनकर सुकैन हाउबिंग के आदमियों से लड़ने के लिए जाता है और टाइसन हाउबिंग से लड़ता है, लेकिन हाउबिंग ज्यादा पावरफुल होता है और वो टाइसन को मारकर दूर फेंक देता है। जब सुकैन टाइसन को गिरा हुआ देखता है तो वो हाउबिंग के आदमियों से लड़कर तुरंत टाइसन के पास जाता है और सुकैन हाउबिंग के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है। ये देख हाउबिंग अपने ब्लैक पाइथन पावर से सुकैन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सुकैन भी अपने व्हाइट ड्रैगन के पावर से पाइथन के पावर को खत्म कर देता है और ड्रैगन हाउबिंग के बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे हॉबिंग वहीं मर जाता है। इसके बाद जब दोनों घर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी टाइसन सुकैन से कहता है ये शैतान लड़कियों को पकड़कर यूचुन हाउस में बेचता है। इस पर सुकैन कहता है तुम इतने अच्छे तरीके से कैसे जानते हो। तब वो कहता है मैंने बहुत लोगों से सुना है। तभी टाइसन सुकैन से कहता है कि आज हम मस्ती करने के लिए वहां पर चलें। ये सुन सुकैन कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो यूचुन हाउस पहुंचकर उसके अंदर जाते हैं। तभी वहां पर एक मोटी सी लड़की आती है जो टाइसन को देख बहुत खुश जाती है और उसे पकड़कर उससे बातें करने लगती है, क्योंकि वो इंपीरियल गार्ड होता है। ये देख सुकैन को बहुत अजीब लगता है और वो टाइसन से कहता है मैं जियो लैंड से मिलकर आ रहा हूँ। तभी उसे भी एक मोटी सी लड़की रोकती है। ये देख सुकैन उसे दूर रहने को कहता है। जब सुकैन जियो लैंड के कमरे के पास जा रहा था तो उसके कमरे के बाहर गार्ड होते हैं जो सुकैन को अंदर नहीं जाने देते और उससे पूछते हैं तुम हो कौन, जिस पर वो कहता है मैं इंपीरियल सिटी का रक्षक हूँ, लेकिन तब पर भी गार्ड सुकैन को अंदर नहीं जाने देता। ये देख सुकैन गार्ड को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक और सिपाही आता है और सुकैन उसे भी मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर टाइसन भी आ जाता है और वो भी गार्ड को मारता है। जब दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो दोनों अपने महाराज को देखकर डर जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। दोनों को देखकर महाराज सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी हम सुकैन और टाइसन को देखते हैं जो डरकर पसीने छोड़ रहे होते हैं। तभी सुकैन महाराज से कहता है महाराज हमें माफ कर दो, जिस पर वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और हमें डिस्टर्ब करने की, जब भी मैं कोई काम कर रहा होता तो तुम लोग आ जाते हो मुझे परेशान करने के लिए। ये सुन सुकैन कहता है अगर हमें पता रहता तो हम यहाँ पर नहीं आते। तभी वो दोनों से कहते हैं एक बात दोनों याद रखना, आज के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। ये सुन सुकैन कहता है ठीक है महाराज, लेकिन हमें आपसे एक बात करनी है, हम दोनों इस सिटी के रक्षक
रक्षक हैं, लेकिन अब हम छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते, उससे हमारा इज्जत खराब हो रहा है, प्लीज महाराज हमें कोई दूसरा काम दीजिए। जिस पर वो कहते हैं चलो मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। ये सुन सुकेन प्लान बनाता है और टाइसन से कहता है अगर आज के बारे में सभी को पता चला तो महाराज की बहुत बेइज्जती होगी। तभी महाराज ये बात सुन लेते हैं और उन दोनों की बातों को मान जाते हैं और वो तुरंत सिपाहियों को बुलाते हैं। इसके बाद हम सिपाहियों को देखते हैं जो वहाँ पर आते हैं। उन्हें देख महाराज सभी से कहते हैं आज मैंने अपने दो आदमियों को यूचुन हाउस में पकड़ा जो वहाँ पर इंजॉय करने के लिए गए थे, और वो अपने सिपाहियों से कहते हैं आप ही लोग बताइए कि इन दोनों को क्या सजा देनी चाहिए। जिस पर एक सिपाही कहता है दोनों को महल का सफाई करना चाहिए, और दूसरा सिपाही कहता है इन लोगों को इस सिटी के चूहे को पकड़वाना चाहिए। तभी तीसरा सिपाही कहता है महाराज हाल ही में निंजांग सिटी में एक बड़े से पाइथन स्नेक को देखा गया है जो वहाँ के दो मजिस्ट्रेटों को मार दिया है, उस मामले की जांच इन दोनों से करवानी चाहिए। ये सुन महाराज एग्री हो जाते हैं और वो दोनों से कहते हैं तुम्हें निंजांग सिटी जाकर वहाँ की सजाई का पता लगाना है कि दोनों मजिस्ट्रेट कैसे मरे। ये सुन दोनों राजी हो जाते हैं क्योंकि दोनों को ऐसा ही काम चाह रहा था। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो निंजांग सिटी के लिए निकलते हैं, और दोनों को निंजांग सिटी पहुँचने में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब दोनों बहुत ही थक गए होते हैं। तभी टाइसन सुकेन से कहता है हमें और पैसे लाने चाहिए थे। ये सुन सुकेन कहता है शांत रहो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है बन ब्यूटी खाना बांट रही है। ये सुन दोनों उस लड़के के पीछे जाते हैं जहाँ पर एक लड़की सारे बेघर लोगों को खाना बांट रही होती है, और इस लड़की का नाम मिनियंग होता है। तभी हम टाइसन को देखते हैं जो मिनियंग को देखकर बहुत खुश जाता है। तभी टाइसन से एक लड़का टकराता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर मिनियंग आती है और उसे एक बन देती है खाने के लिए। तभी उसके पास एक छोटा सा आदमी आता है जो टाइसन का बन छीनकर भागने लगता है। ये देख टाइसन गुस्सा हो जाता है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, और वो छोटा सा आदमी भागते हुए गलियों में जाकर रुक जाता है। ये देख टाइसन उससे कहता है तुमने मेरा खाना चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें इसका सजा दूंगा। और वो उसे मारने के लिए एक लकड़ी उठाता है जिससे वहाँ का सारा सामान गिर जाता है, जिसके पीछे ढेर सारे भिखारी लोग होते हैं। और छोटा आदमी अपने सरदार को देखकर उनसे कहता है ये आदमी मुझे मारने वाला था। ये सुन सारे भिखारी टाइसन और सुकेन को पकड़ने लगते हैं, और दोनों एक जगह जाकर छिप जाते हैं और सोचते हैं कि सब चले गए। लेकिन जब दोनों पीछे देखते हैं तो उनके पीछे सारे लोग होते हैं और सारे भिखारी उन दोनों को घेर लेते हैं। ये देख सुकेन कहता है ठीक है हमसे गलती होगी हमें माफ कर दो। तभी भिखारियों के ग्रुप का एक आदमी उन दोनों का पैर तोड़ने को कहता है। ये सुन दोनों डर जाते हैं। तभी टाइसन सुकेन से कहता है क्यों ना हम इन्हें मारकर यहाँ से चलें। उसी दौरान सुकेन को एक आदमी मार देता है। ये देख सुकेन सभी को एक ही बार में मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर भिखारियों का सरदार आता है और दोनों से कहता है तुम दोनों बहुत तेज हो, मैं इन लोगों का सरदार हूँ। तभी वो दोनों से पूछते हैं तुम दोनों हो कौन, जिस पर टाइसन बताने के लिए जाता है। तभी सुकेन उसे रोक कहता है हम बहुत परेशानी में थे, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ग्रुप में शामिल कैसे हो। ये सुन सरदार बहुत खुश हो जाता है और दोनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, और सरदार उन दोनों को अपने अड्डे पर लेकर जाता है जहाँ पर सारे भिखारी लोग रहते हैं। और सरदार दोनों से कहता है कोई कोना ढूंढ लो यहाँ रहने के लिए। दरअसल ये सुकेन का चाल होता है, जिस जगह पर भिखारी लोग रहते हैं वो जगह लिंजांग सिटी का मुर्दा घर होता है, लेकिन भिखारियों को पता नहीं होता। लेकिन सुकेन को ये पता होता है और वो टाइसन से कहता है हम दोनों इसी जगह आना चाहते थे ना। इसके बाद रात में सारे भिखारी सो रहे होते हैं, लेकिन टाइसन और सुकेन जाग रहे होते हैं, और टाइसन सुकेन के पास जाकर उससे कहता है तुम भिखारियों को अपनी सच्चाई बताए क्यों नहीं। ये सुन सुकेन कहता है भिखारी बने रहने पर हमें पता चलता है कि कौन इंसान कितना अच्छा है। तभी टाइसन कहता है हमें अब क्या करना चाहिए, जिस पर सुकेन कहता है अब हमें पता लगाना है। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो मुर्दा घर जाते हैं जहाँ पर दोनों मजिस्ट्रेट का बॉडी रखा हुआ होता है। जब दोनों मजिस्ट्रेटों के बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों मरने से पहले बहुत डरे हुए थे। उसी वक्त टाइसन दोनों को स्मेल करता है तो उससे पता चलता है कि इन दोनों की मौत नशीली दवा खाने की वजह से हुई है। तभी सुकेन किसी को बाहर देखता है जो उन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है। जब सुकेन उसे देखता है तो वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। ये देख दोनों उसका पीछा करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी टाइसन के सामने पाइथन स्नेक आ जाता है, जिसे देख टाइसन डर जाता है। और पाइथन टाइसन को मारने वाला होता है, तभी वो आदमी सीटी बजाता है जिससे पाइथन वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त सुकेन को उस आदमी का रस्सी गिरा हुआ दिखता है और वो उसे ले लेता है। अगली सुबह हम एक लड़के को देखते हैं जो टाइसन और सुकेन को भीख मांगने के लिए मंदिर पर लेकर जाकर छोड़ता है। तभी सुकेन एक लड़की से कुछ मांगता है, जिस पर वो उसे अनाप शनाप बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त टाइसन को भूख लगता है और वो मिनियंग को याद करता है, क्योंकि उसने टाइसन को कुछ दिया था खाने के लिए। जब सुकेन उसके तरफ देखता है तो टाइसन वहाँ पर नहीं होता है और टाइसन मिनियंग के पास चला जाता है। तभी टेम्पल पर एक लड़की आती है जिसे देख सुकेन को बहुत अजीब लगता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो पाइथन गॉड मूर्ति के पास जाकर उससे कह रही होती है आपने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं नहीं जीना चाहती, और वो ये बोल अपने आप को मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर सुकेन आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे पूछता है तुम ऐसा कर क्यों रही हो, जिस पर वो कहती है मेरे पिता ने कहा था पाइथन गॉड की पूजा करने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुए पर गायब हो गए, और सब कह रहे हैं कि पाइथन गॉड ने उन्हें मार दिया। उनके मर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और अब मैं नहीं जीना चाहती। ये सुन सुकेन कहता है तुम ये मुझ पर छोड़ दो कि तुम्हारे डैड कैसे गायब हो गए, मैं उनका पता लगाऊंगा कि वो कहाँ पर है। ये सुन लड़की सुकेन से पूछती है आप हो कौन, जिस पर वो कहता है मैं इंपीरियल सिटी का रक्षक हूँ और मैं यहाँ बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। ये सुन वो लड़की कहती है अगर आप सच में इंपीरियल सिटी के रक्षक है तो प्लीज मेरे पिता को ढूंढिए। ये सुन सुकेन कहता है तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकती हो। तभी लड़की उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम बताता है, और सुकेन उस लड़की का नाम पूछता है तो वो अपना नाम जिया बताती है। इसके बाद हम टाइसन को देखते हैं जो मिनियन के ढाबे पर जाकर उसे ही
देख रहा होता है, तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और मिनियन से बदतमीजी करने लगते हैं। ये देख टाइसन दोनों को बहुत मार मारता है और दोनों को मिनियन से माफी भी मंगवाता है। ये देख मिनियन बहुत खुश जाती है। फिर हम सुकैन को देखते हैं जिसे टाइसन मिनियन समझकर किस करने के लिए जाता है। ये देख सुकैन उसे पंच मार देता है जिससे वो होश में आ जाता है और वो सुकैन को देखकर घबरा जाता है। ये देख सुकैन उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद हम भिखारियों के सरदार को देखते हैं जो अपने एक आदमी को मरते हुए देख परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर सुकैन और टाइसन आ जाते हैं जिसे देख सरदार कहते हैं अगर तुम दोनों के पास कोई उपाय हो तो इसे बचाओ। ये सुन दोनों उस लड़के के पास जाते हैं और उसे चेक करते हैं तो उन दोनों को पता चलता है कि इसे जहरीली दवा दिया गया है। ये सुन सरदार कहता है कैसा जहर। तभी वो लड़का कहता है मैंने पाइथन गॉड मंदिर के उस गोली को खाया था जहाँ पर मैं पूजा करने के लिए गया था। जब मैं पाइथन गॉड की मूर्ति में पैसा डाला तो उसमें से एक गोली निकली और उस गोली को मैंने खा लिया। इतना बताते वो वही मर जाता है। तभी सुकैन को वो रस्सी दिखती है जो उस रात वो पाया होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और सरदार से कहता है मैं उस गोली का पता लगाऊंगा। फिर हम रात में पाइथन गॉड मंदिर पर सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पर सुकैन सरदार से कुछ पैसा मांगता है और उस पाइथन गॉड मूर्ति में डाल देता है जिसके अंदर से एक गोली निकलता है। टाइसन उस गोली को लेकर तुरंत स्मेल करता है। ये देख सुकैन अपना जादुई गोला बाहर निकलता है और उसमें आग लगाकर मूर्ति में फेंक देता है जिससे पाइथन गॉड मूर्ति के अंदर से धुआं निकलने लगता है। तभी मूर्ति के नीचे से एक आदमी निकलता है जिसे देख टाइसन तुरंत पकड़ लेता है। सरदार उस आदमी को देखकर उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की। तभी सुकैन उनको देखता है और उनसे कहता है इस आदमी के पीछे जरूर कोई होगा, हमें इससे पूछताछ करने दीजिए जिससे हम पता लगा पाए कि वो कौन है। ये सुन सरदार कहता है जल्दी पता लगाओ, मुझे अपने साथी के मारने वाले से बदला लेना है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिससे टाइसन और सुकैन पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। ये देख सुकैन बहुत गुस्सा हो जाता है और टाइसन उसे शांत कराता है और वो खुद ही उस आदमी के पास जाता है और वो उस आदमी से पूछता है बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, जिस पर वो आदमी जवाब देता है मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुन टाइसन उस गोली को बाहर निकालता है जो पाइथन गॉड मंदिर के अंदर से निकला हुआ होता है और उससे कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ये गोली खिला दूंगा। ये सुन वो आदमी राजी हो जाता है और उसे बताने ही वाला होता है, तभी उसे कोई नुकीली चीज से मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर सरदार का आदमी आता है जो उस आदमी को मरा हुआ देख उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने इसे मार दिया, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग ही इसके पीछे हो, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर सरदार आ जाता है जिन्हें देख उनका आदमी कहता है ये दोनों इस आदमी को मार दिए। सरदार उस आदमी को देख सुकैन से पूछते हैं ये कैसे हुआ। तब सुकैन उन्हें सब कुछ बताता है एक आदमी आया जो अपने मुंह पर कुछ बना था और वो इस आदमी को मारकर यहाँ से भाग गया। ये सुन सरदार कहते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि हमने बहुत कड़ी सुरक्षा लगाई है। तभी टाइसन कहता है हमें लगता है कि कोई भिखारी के ग्रुप का ही है जो इसे मार रहा है। ये सुन सरदार का आदमी उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। उसी वक्त सरदार उस आदमी के बॉडी को हटवाता है और उन दोनों से कहता है मैं तुम दोनों को हत्या करके भागने नहीं दूंगा, तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है। उसी वक्त सरदार अपने लोगों से उन दोनों को पकड़वाने को कहता है। ये देख सुकैन उन लोगों से लड़ता है और उन्हें वहीं गिरा देता है। ये देख सरदार अपने ड्रैगन पावर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसी दौरान सुकैन भी अपने व्हाइट ड्रैगन पावर को निकालता है जिन्हें देख सरदार वहीं रुक जाते हैं। दरअसल व्हाइट ड्रैगन का पावर सिर्फ और सिर्फ सच्चे इंसान के पास ही हो सकता है। उसी वक्त टाइसन सभी के ऊपर घास फेंक देता है और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। जब दोनों जा रहे थे तभी रास्ते में मिनियन मिलती है जिसे देख टाइसन बहुत खुश हो जाता है। तभी सुकैन टाइसन से कहता है जल्दी चलो कहीं छिपते हैं नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। ये देख मिनियन टाइसन और सुकैन को अपने घर के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर दोनों को पता चलता है कि मिनियन बोल नहीं सकती। तभी टाइसन सुकैन से कहता है अब मैं मिनियन के साथ ही यही रहना चाहता हूँ। ये बस सुन सुकैन को बहुत अजीब लगता है। तभी सुकैन उससे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, क्या तुम यही काम करने के लिए आए थे, तुम्हें पता भी है ना कि हम यहाँ पर सच्चाई का पता लगाने के लिए आए थे। ये सुन टाइसन सुकैन से कहता है अब मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, एक दिन हम दोनों यहाँ के सच्चाई का पता लगा ही लेते हैं और इस बुक की हेल्प से जरूर सच्चाई का पता लगा पाएंगे। ये सुन टाइसन गुस्सा हो जाता है और सुकैन से कहता है अब तुम जाओ और खुद ही सच्चाई का पता लगाओ। ये बस सुनकर सुकैन बाहर आ जाता है और पाइथन गॉड मंदिर की गोली को निकालता है और वो सोचता है अगर मैं इस गोली को खा लूंगा तभी मैं इस गोली का सच्चाई पता लगा पाऊंगा। ये सोच वो उस नशीली गोली को खा जाता है। फिर हम कुछ देर बाद उसके फेस को देखते हैं जिससे उस जहरीली गोली का नशा होने लगता है और मिनियन को अपना दोस्त समझकर उसे पकड़ लेता है। तभी टाइसन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस सुकैन को धक्का दे देता है जिससे वो वहीं गिर जाता है और सुकैन ये देख बहुत उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में वो कुछ आदमियों को देख उनसे पाइथन गॉड मंदिर की गोली को मांगता है जिस पर दोनों उसे मारकर वहां से चले जाते हैं। अब सुकैन बहुत कमजोर हो गया होता है। अगली सुबह सुकैन पाइथन गॉड मंदिर जाकर वहां पर गोली मांगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहां पर जिया आती है जो सुकैन को बेहोश हुआ देख अपने घर लेकर जाती है। तभी हम सुकैन के ख्यालों में पाइथन स्नेक को देखते हैं जो सुकैन के तरफ ही आ रहा होता है उसे मारने के लिए और वो उसे अपने ओर आता हुआ देख अपने व्हाइट ड्रैगन पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन पाइथन व्हाइट ड्रैगन के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सुकैन की तरफ उसे मारने के लिए जाता है। तभी सुकैन को होश आता है जो जिया के घर पर ही होता है और जिया उसके लिए चाय लेकर जाती है। तभी सुकैन उससे कहता है मुझे पाइथन गॉड की एक गोली दे दो। ये सुन जिया उससे पूछती है क्या तुमने भी उस गोली को खा लिया, जिस पर वो कहता है हाँ और वो रोते हुए जिया से गोली मांगने लगता है और वो जिया के घर में गोली को खोजने लगता है क्योंकि जिया के फादर का भी ऐसा ही हाल हुआ था, लेकिन सुकैन को वो गोली नहीं मिलती। अगली सुबह हम टाइसन को देखते हैं जो सुकैन को ढूंढकर थक गया होता है और मिनियन से कहता है पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पर जिया आती है जिसे
देखते टाइसन उससे पूछता है आप हो कौन, जिस पर वो कहती है मैं जानती हूँ सुकैन कहाँ पर है, और वो टाइसन को अपने साथ सुकैन के पास लेकर जाती है जहाँ पर वो नसीली दवा खोजते हुए नीचे पहुँच गया होता है, जिसे देख दोनों ऊपर करते हैं। लेकिन अब सुकैन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है। तभी टाइसन सुकैन से कहता है अगर मुझे एक गोली मिल जाएगी तो मैं पाइथन गॉड से मिल सकता हूँ। ये सुन टाइसन उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम सच्चाई का पता लगाने के लिए ऐसा किए हो, मुझे माफ कर देना उस दिन मैं नहीं समझ सका। तभी सुकैन टाइसन से कहता है अब मैं और कमजोर नहीं होना चाहता, जिस पर टाइसन उससे कहता है अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। तभी सुकैन कहता है मैं इस हालत में सच्चाई का पता कैसे लगाऊंगा। ये सुन टाइसन उससे कहता है तुम अपने ऊपर विश्वास रखो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और वो उसे उसका बुक देता है और उसे कहता है इसे पढ़कर तुम्हें एनर्जी मिलेगी। अब धीरे धीरे सुकैन नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम सुकैन को देखते हैं जो जिया से कहता है अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जिस पर वो कहती है भगवान का शुक्र है कि तुम जल्दी ठीक हो गए। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिया सुकैन से प्यार करने लगी है। जब वो रात में सुकैन के लिए दवा लेने के लिए बाहर जाती है तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसे मार देता है। जब सुकैन कुछ देर बाद बाहर जाता है तो वो जिया को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और वो ये देख परेशान हो जाता है, और सुकैन जिया को मरा हुआ देख रोने लगता है। उसी वक्त सुकैन को वहाँ पर लॉकेट मिलता है। दूसरी तरफ टाइसन भी बहुत गुस्सा हो जाता है जब उसे ये पता चलता है और मीनिंग से कहता है बेचारी उस लड़की को मारकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, और वो सुकैन से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। तभी सुकैन टाइसन को वो लॉकेट दिखाता है जो वो रात में पाया होता है। जब टाइसन उस लॉकेट को लेकर स्मेल करता है तो उसे पता चलता है कि इससे जहरीली गोली का महक आ रहा है, और दोनों तुरंत पाइथन गॉड टेम्पल पर जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर पाइथन गॉड मंदिर के अंदर जाने का रास्ता पता करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा था कोई मंदिर के नीचे से जहरीली दवा बनाकर दे रहा है। तभी सुकैन को एक दरवाजे का पता चलता है जो मंदिर के नीचे से होता है, और दोनों उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर देखने लगते हैं। तभी टाइसन को ढेर सारी जहरीली गोलियां मिलती हैं, जिसे देख दोनों को पता चलता है कि कोई दवा यहीं से दे रहा है। तभी एक आदमी सुकैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सुकैन उसके हमले को रोक लेता है और वो आदमी चकमा देकर वहां से भागने लगता है। तभी टाइसन सुकैन के पास आता है और उससे कहता है मैंने उन जहरीली गोलियों को जलाकर खत्म कर दिया। तभी दोनों पाइथन को देखते हैं जो वहीं पर होता है। ये देख टाइसन उस आदमी का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है और सुकैन उस पाइथन को भटकाता है। तभी सुकैन अपने पावर से पाइथन के ऊपर अटैक करता है और बहुत चालाकी से उसके ऊपर अटैक कर उसे वही मार देता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो भिखारियों के पास ही जा रहा था, और टाइसन भी उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है। तभी उसके पीछे से एक भिखारी उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम टाइसन को देखते हैं जिससे बांकर सरदार उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है, जिस पर वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुन उसका आदमी टाइसन को मारने के लिए जाता है, तभी वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो इतना खतरनाक चाल चला है। ये सुन सरदार उससे कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे प्यार मिनियंग को मार दूंगा। ये देख वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और टाइसन जोर से सुकैन को बुलाता है। फिर अगली सुबह हम टाइसन को देखते हैं जो सुकैन को याद कर रहा होता है और सारे भिखारी प्लान बनाए होते हैं जब सुकैन वहां पर आएगा तो वो उसे मारकर खेल को खत्म कर देंगे। तभी वहां पर सुकैन आ जाता है और भिखारी सुकैन को देख दरवाजा को बंद कर देते हैं कि वो वहां से भाग न पाए। तभी सरदार सुकैन से कहता है आपका दोस्त माना है कि वही किया है सब कुछ और आप ही लोग सभी को मार रहे हैं और जहरीली दवा बांट रहे हैं। ये सुन सुकैन कहता है दरअसल मैं इंपीरियल सिटी का रक्षक हूं और मैं यहां पर पता लगाने के लिए आया था कि मजिस्ट्रेटों का मौत कैसे हुआ। ये सुन सरदार शांत हो जाता है। तभी सुकैन कहता है हमें लगता है कि इन सभी के पीछे आप ही हैं। ये सुन सरदार का आदमी कहता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, और वो सारे भिखारियों से सुकैन को मारने को कहता है। ये देख सरदार सभी को रोकता है और सुकैन से कहते हैं भले ही तुम इंपीरियल सिटी के रक्षक हो लेकिन दूसरों को फंसाना भी एक अपराध है। ये सुन सुकैन कहता है जब मैंने मजिस्ट्रेटों के बॉडी का जांच किया तो हमें पता चला कि वो अभी नहीं मरा है, और मेरे फ्रेंड जिया के फादर भी गायब हो गए थे जो विकलांग थे, जिन्हें मारकर मजिस्ट्रेट की बॉडी का नाम दे दिया गया, और उसके पिता भी उस जहरीली गोली को खाए थे। तभी सुकैन सरदार की तरफ उंगली दिखाकर कहता है कि आप ही तो नहीं मजिस्ट्रेट चौंग है, जिस पर सरदार का आदमी कहता है क्या आप सच में मजिस्ट्रेट चौंग है, जिस पर वो कहते हैं ये बकवास कर रहा है। तभी सुकैन सरदार से कहता है जब मैं बॉडी को चेक कर रहा था तो वहां पर ये मिला जो आपका है। ये देख सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी सरदार सुकैन से कहते हैं तुम तो बहुत अच्छा कहानी बना रहे हो लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सही है और कौन गलत, और सरदार और सुकैन के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सुकैन सरदार के ऊपर अटैक कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है जिससे वो वहीं मर जाता है, और सुकैन तुरंत टाइसन के पास जाता है और उसका रस्सी खोलता है, और वो टाइसन से कहता है अपराधी तो मिल गया लेकिन अभी हमें दवा बनाने वाले का पता लगाना है। तभी मीनियंग टाइसन से कहती है मुझे पता है, जिससे दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी सुकैन मीनियंग को रोकता है और उससे कहता है क्या तुम ही तो मजिस्ट्रेट चौंग नहीं जो सबको पागल बना रही हो। उसी वक्त सरदार उड़ जाता है जिसे देख सारे भिखारी डर जाते हैं और वो सभी से कहते हैं सुकैन और हमें पता चल गया था कि मीनियंग ही मजिस्ट्रेट चौंग है। जिसुन टाइसन सुकैन से कहता है क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है, जिस पर वो कहते हैं हाँ ये लड़की जो मजिस्ट्रेट है बेचारे गरीबों को फंसा कर मार रही है और नसीली गोली बनाकर बेच रही है और इसी ने जिया और उसके फादर को मारा है। ये सुन टाइसन मीनियंग के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम सच में मजिस्ट्रेट चौंग हो। ये सुन मीनियंग उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपने असली रूप में आ जाती है जिसके पास ब्लैक पावर्स होता है। उसी वक्त सरदार का आदमी उनके बॉडी में चाकू मार देता है जो मीनियंग से मिला होता है। तभी वो सुकैन के ऊपर अटैक करता है जिससे सुकैन को पता चल जाता है कि यही उस दिन उस आदमी को मारा था। तभी वो सुकैन से कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक इंपीरियल रक्षक हो, पहले दिन ही मैंने तुम्हारा लॉकेट देख लिया था। तभी मीनियंग कहती है मैं महल में नहीं रहना चाहती थी इसलिए
इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये बोल वो अपने स्नेक को बुलाती है। ये देख सुकेन उससे कहता है मैंने पाइथन को मार दिया, जिस पर मिनियंग बहुत गुस्सा जाती है और सुकेन से लड़ने लगती है और टाइसन को मारकर सरदार के पास भेज देती है। तभी सरदार का आदमी उनसे कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सरदार उससे मार देते हैं। तभी हम सुकेन को देखते हैं जो मिनियंग के ऊपर व्हाइट ड्रैगन से अटैक कर देता है। ये देख मिनियंग भी अपने पावर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन व्हाइट ड्रैगन बहुत पावरफुल होता है और वो पाइथन को खत्म कर देता है और मिनियंग की आर पार हो जाता है। तभी मिनियंग कहती है मैं व्हाइट ड्रैगन के पावर से लड़ क्यों नहीं सकती, जिस पर सुकेन कहता है बुराई कभी अच्छाई के ऊपर काबू नहीं कर सकती, और सुकेन उसे खत्म करने के लिए जाता है। ये देख टाइसन उसे रोकता है और अपने प्यार को खुद ही खत्म करता है और बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद अगली सीन में हम इंपीरियल सिटी के महाराज को देखते हैं, जिन्हें सुकेन और टाइसन पाइथन स्नेक के परछाई से डराते हैं और महाराज बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। तभी सुकेन और टाइसन अंदर आते हैं, जिन्हें देख महाराज कहते हैं तुम दोनों कब सुधरोगे, और दोनों से कहते हैं तुम दोनों ने सच्चाई का पता लगा लिया, मैं तुम दोनों के काम से बहुत खुश हूं। और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।